हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मैंने लिखा यहाँ एडवांस विकेट नोट, ठीक है। तो ये चैनल से बहुत से मेंबर्स की ये मेरे को रिक्वेस्ट मान लो, कुछ ही मान लो, या उनका सजेशन मान लो, ये आया था कि सर विकेट नोट तो ऑलमोस्ट सब ने समझ लिया कि कैसे खेलते हैं, कैसे विकेट नोट लेना है, कैसे बॉल नोट लेना है, ये सब। पर दिक्कत ये हो रही है कि उनको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कौन से प्लेयर पे और कौन से मैच में विकेट नोट ले लें। समझ रहे मेरी बात, कि कौन से प्लेयर्स पे हम विकेट नोट ले, कब तक विकेट नोट ले, टू अक्स तक जाएं, क्या हो, समझ रहे हो। इस तरह की बात होती है। पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप विकेट नोट लो, बार बार बोलता हूँ कि आपकी आई टीम बैकअप होना चाहिए। बैकअप होने का मतलब ये नहीं कि आप लाख दो लाख रुपये लेको, दस बीस हज़ार रुपये लेको, क्योंकि हर पंटर मुझे पता है 1000 रुपये से स्टार्ट करते खेलो। तो आपको करना क्या है, अगर आप 1000 रुपये की आई टीम से खेल रहे हो ना, आप समझ रहे मेरी बात, अगर आप 1000 रुपये की आई डी से खेल रहे हो तो आपको 100 रुपये से विकेट नोट लेना, सिर्फ 100 रुपये से। और 100 रुपये से विकेट नोट लेना है 1000 रुपये की आई डी, तो आप खाली 2x तक ही अपना माइंड सेट करके रखना कि मैं खाली 2x तक ही जाऊंगा, भले ही प्लेयर 3x में आउट हो जाए। समझ रहे, आप दूसरे प्लेयर पे चले जाए ना, एक प्लेयर पे आप 2x चले गए वो आउट है, तो उसके साथ वाले प्लेयर के विकेट नोट साथ में मार दीजिए आप। एक प्लेयर के पीछा करने की जरूरत नहीं है, वो सामने वाला खेलता रहेगा, उसको खेलेंगे। कई किसी किसी केस में जो है कि आप एक प्लेयर पे विकेट नोट लेके बैठे हो, उस पर 1x जा रहे हो, 2x जा रहे हो, 3x जा रहे हो, वो आउट नहीं हो रहे, उसके सामने वाले प्लेयर 5-5, 6-6 रन करके आउट हो रहे हैं। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपको लग रहा है यार मैं जिस पे करके बैठा हूँ वो आउट नहीं हो रहा है, सामने वाले प्लेयर आउट होते जा रहे हैं। ये भी एक स्ट्रेटेजी है, आपको कुछ सीखनी, छोटी छोटी बातें कुछ सीखनी पड़ेगी, कोई बताएंगे नहीं आपको, ये अपना दिमाग आपको कुछ डेवलप करना पड़ेगा। आपको करना क्या है कि जब भी आप किसी प्लेयर के रन नोट करो ना, सामने वाले की 2x तक की लिमिट रखोगे, मैं इस पर 2x तक ही जाऊँगा, भले ही वो आउट हो जाए, मत हो, मैं खाली 2x तक का नहीं होगा, मैं दूसरे प्लेयर पे जाऊँगा। आपको ऐसे इस कंडीशन क्या होगा कि देखिए एक इनिंग में 11 प्लेयर खेलते हैं, सेकंड वाली इनिंग में 11 प्लेयर खेलते हैं, मैचेस बहुत है, प्लेयर भी ऐसा नहीं है कि प्लेयर आउट हो गया जो लाइफ टाइम आउट हो, वापस कभी खेलने नहीं आएगा। हैं 11 विकेट नोट आपको इसमें मिल सकते हैं, 11 इसमें मिल सकते हैं, समझ रहे हो। 14.4 तक विकेट नोट देते हैं, अगर आपने एक एक गिने में एक एक भी पकड़ लिया, एक एक विकेट नोट, 2 विकेट नोट मिलते हैं हर मैच में, मैचेस दिन के 5-5, 6-6 हो रहे हैं, काउंट कर लिया ना आप कितना प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी लिमिट डिवाइड करने के बाद, जल्दी जल्दी समझ लीजिए कि वीडियो में छोटा ही बनाऊंगा। ये तो हो गया आपकी लिमिट की खेलना कैसे, 1000 रुपये की आईडी, 100 रुपये से खेलना, 2x तक जाना है, सामने वाला प्लेयर आउट, सामने वाले प्लेयर का भी विकेट नोट लेते रहना, समझ रहे हो, साथ में दोनों के लेते चलोगे तो फायदे में रहोगे। अब बात करते हैं प्लेयर्स की, कौन से प्लेयर्स का मैं विकेट नोट लेना, कौन से मैच में लेना, मेन मुद्दे की बात ये। अच्छा, मैं मेन मुद्दे की सीधी बात, देखिए दो टीमें खेलती है, एक फेवरेट है, एक नॉन फेवरेट होती है। आपको करना क्या, सिंपली कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं, जो भी टीम अंडर 50 पैसा खुले ना, तो किस लिए खुल रही है, क्योंकि या तो वो टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, उसमें प्लेयर्स बड़े स्ट्रॉन्ग से, या वो टीम वो टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रही है, समझ रहे हो, बहुत अच्छा ही खेल रहे हैं, इसलिए उसका भाव अंडर 50 पैसा खोलेंगे वो लोग। और उसके सामने वाली टीम है जो जो वो वीक टीम है, या तो उसका फॉर्म एकदम ख़राब चल रहा है, उसके प्लेयर एकदम बेकार है, इस वजह से उसका भाव डाउन चल रहा है ना। तो आपको करना क्या है कि स्ट्रॉन्ग टीम जिसका भाव अंडर 50 पैसे वाला, वो फर्स्ट बेट पर आ गई, तो आपको उनके प्लेयर्स नोट नहीं लेने। आपको नोट कब लेने बता रहा हूँ कि उनके प्लेयर्स ओपनर आएंगे आपके, उनके पे आपको वेट करना, बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, आपको गन पॉइंट पे थोड़ी ना हो कि आपको विकेट नोट लेने लेने। आपको क्या करना, बैठे रहिए, उनके प्लेयर्स को रन बना लेने दीजिए, जितने रन उनके ओपन हुए ना 25-22, उतने रन उनको बना लेने दीजिए, क्योंकि उतने बना लेंगे वो लोग, जितने भी उनके 25-22-24 रन जितने भी ओपन हुए ना, आप देख लीजिए अपनी आई डी खोल के कि हाँ इस प्लेयर के 22 ओपन, इसके 24-25 ओपन हुए, आपको सिंपली चुपचाप बैठे रहना, उनको वो रन बना लेने दीजिए। जब वो रन अपने बना लेते हैं ना उतने रन, उसके बाद आप उन सामने वाली स्ट्रॉन्ग टीम के प्लेयर्स के विकेट नोट कर दीजिए। इस केस में होगा क्या, आपको एक गैप मिल जाएगा, जहाँ आपको 2x जाना होता है ना, 3x जाना पड़ेगा, वहाँ 2x में वो काम बन जाए। और मोस्टली होता है कि T20 लीग में आप स्कोर कार्ड उठा के देखिए, ये इनका एवरेज निकलेगा ना 32-35 के अंडर ही निकलेंगे हर प्लेयर के, 32-33, मतलब इतने रन बना के आउट हो जाए। कुछ रेयर प्लेयर होते हैं ना, एक टीम में एक प्लेयर हो जाता है ऐसा जो 50 मार देता है या 60 मार देता है, 50 के ऊपर चलो सेंचुरी मार देता है, पर आप 50 प्लस करके चलो, 50 प्लस रन मार देते, बाकी सारे प्लेयर 50 प्लस रन नहीं मारते, दो रन जो जन मार देते, बाकी तो नहीं मारते ना है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक प्लेयर पर 2x जाना है, एक प्लेयर पर आप 2x गए, उसने 50 में आपका टारगेट था कि चलो सेकंड टाइम 50 में आउट हो जाएगा, वो नहीं हुआ, चलिए तो छोड़ दो उसको, 3x मत जाओ, दूसरे प्लेयर पर आ जाओ, उसने 50 मार दी जाने तो छोड़ दो उसको, साथ में तीसरा प्लेयर ना, वो तो आपको मिल ही जाएगा, समझ रहे मेरी बात। दो प्लेयर ने 50 डाल दी है,
आपकी दो लिमिट चली गई, दो दुनी चार लिमिट चली गई, समझ रहे हो। एक बार आपने सोच लगाया, एक बार आपने दो सोच लगाया, चला कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। हैं तीसरे प्लेयर पे लो ना, तीसरा प्लेयर तो आपको मिल रहा है ना, वो थोड़ी 50 डाल देंगे, वो तो 30% आउट हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि दो प्लेयर ओपनर आए वो पूरे 15 ओवर तक खेलते रहेंगे, आउट ही नहीं। ये तो रोयर गेस में होता है, मतलब जब आपके लक एकदम ही ख़राब हो, आपकी प्रडिक्शन एकदम ही ख़राब हो और आपको क्रिकेट का सेंस ही नहीं, देख के पता चलता है। तो आप एक तो लाइव मैच देखिए, आपको पता चलेगा पिच कैसा खेल रही है। एक कंडीशन ये होगी कि अंडर 50 पैसा टीम है और फर्स्ट बेट पर आ गई। अब इसके अपोजिट अंडर 50 पैसा टीम और वीक टीम उसके सामने आ गई, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसा टूट नहीं पड़ना कि चलो वीक टीम आगे इसके तो सारे प्लेयर्स आउट हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। वो भी टीम है, भले ही फॉर्म ख़राब चल रही है उनकी, लीग में खेल रहे हैं, उसके ऊपर पैसे लगे हैं, ऐसी थोड़ी ना वो लोग। इस कंडीशन आपको क्या करना है ना कि आपको एक बाउंड्री का या दो चार रन का तो वेट कर ही लेना, ऐसा नहीं कि आते जीरो रन में से बल्ला ही नहीं उठाया आपने नोट मार देना। इसमें आपको आप सामने वाले प्लेयर्स दो प्लेयर्स आए ओपनर, उन्होंने दो चार पाँच रन बना लिया, एक बाउंड्री डाल दी, उसमें क्या हुआ कि उनके 22-25 रन खोलते हैं वो, जैसे वो बाउंड्री मार देता है उनके आपको 3-4 रन बढ़ा के देने लगते हैं, वो आपको वो बहुत बड़ा गैप हो जाता है 3-4 रन का। आपको उस कंडीशन में उन प्लेयर को नोट कर लेने, समझ रहे हो, नोट करने का मतलब है कि उनके 25 रन आपने नोट कर दिए, बैठे रहो दोनों प्लेयर के नोट कर देने, ठीक है। वो या तो पावर प्ले के अंदर एक प्लेयर आउट हो ही जाता, नहीं वो तो 6-7 ओवर खेलेंगे तब तक वो इतने रन बनाएंगे 30 तक, फिर आप उस पर सेकेंड टाइम चले जाना, क्योंकि वो मोस्टली प्लेयर होते हैं ना इस नॉन फेवरेट टीम वाले, वो सेकेंड टाइम का टारगेट लेकर सेकेंड टाइम में आपको नोट मिलते जाएंगे, आपको उसमें नोट लेते रहना। एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट थिंग आपको बता रहा हूँ मैं, वो आपको हमेशा रखनी है, वो विकेट नोट से रिलेटेड है, वो सब जगह यूजफुल है। आपने 12 ओवर में किसी प्लेयर के रन नोट कर दिए, समझ रहे मेरी बात, 12 ओवर तो कोई प्लेयर बड़ा अच्छा खेल रहा, रन नोट कर दिया आपने उसके, उनके रन मिले आपको 68 नोट करने के लिए 12वें ओवर में, और 68 के बाद में आप वो न्यूज़ यूँ मान लो कि वो 58 पे खेल रहा है, समझ रहे हो, और वो उसने स्लो खेलना चालू कर दिया, उसके रन भी नहीं बढ़ रहे, ठीक है। आपका टारगेट ये है कि चलो 68 आएगा तो मैं डबल पे जाऊँगा, ट्रिपल लिमिट पे जाऊँगा, पर जिन होता है कि ओवर नज़दीक आते रहते हैं, 14.3 ओवर हो गए और उसने अपने 68 अभी भी उसको 65 पे खेल रहा हो, इस कंडीशन में आपको वेट नहीं करना है कि वो 60 बनेगा, समझ रहे हो। जैसे ही 14.4 होते हैं ना, उसमें उसके जितने भी रन दे रहे होते हैं ना, आपको वेट नहीं करना, डबल उसको आपको कर देना है डबल से नोट। ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, प्लेयर भले ही अपने टारगेट पे ना पहुंचे, आपको 14.4 जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं ना आपने सामने, उन दोनों के रन नोट कर देना जो भी दे रहे हैं, याद रखना मेरी बात। ये आपको एक बड़ा एज मिलता है, एक बीच में गैप आपको मिल जाएंगे उसे विकेट नोट। अब दूसरी कंडीशन ये होती है, ध्यान से रखना क्योंकि मैं अपने दिमाग के फ्लो से बोलते रखता हूँ क्योंकि मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, समझ रहे हो, कि नॉन फेवरेट टीम और फेवरेट टीम की कहानी चल रही है। फेवरेट टीम ने अच्छे खासे रन बना दिए, कोई भी टीम हो मैटर नहीं करता, कोई भी लीग हो, T20 लीग होनी चाहिए, खाली फेवरेट और नॉन फेवरेट हो, अच्छा खासा टारगेट दे दिया है 190-200 का। इस कंडीशन में सेकेंड बैठा है, इस कंडीशन में भी आपको विकेट नोट लेने का अच्छे चांस होते हैं। इस कंडीशन में आपको करना क्या, सिंपली करना ये कि आपको ओपनर्स का वेट करना, ओपनर्स जल्दी आउट हो जाए, 2 ओवर के अंदर अगर उनका एक विकेट चला गया, 2 विकेट चले गए, समझ रहे हो, तो होगा क्या, सामने वाले जो भी प्लेयर आएंगे एक तो उन पर प्रेशर आ जाएगा, दूसरा प्रेशर उन पर रन रेट का रहेगा, समझ रहे हो। इस कंडीशन में प्लेयर्स मार्क खेलेंगे, उनके विकेट जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको ऐसा सिचुएशन मिल जाते ना आपको कि सामने वाली टीम ने अच्छा खासा टारगेट दे के रखा है और नॉन फेवरेट टीम है, या ठीक है नॉन फेवरेट टीम अपने आप ही हो जाएगी, वो उसके प्लेयर्स 2-3 ओवर में 1-2 विकेट चले गए, तो आपको बिना कुछ सोचे, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको 2x का टारगेट सेट करके विकेट नोट लेते जाने लाइन से, आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हो। एक कंडीशन हो गई ये, कभी कभी क्या होता है कि लो स्कोरिंग मैच हो जाते हैं, समझ रहे हो, 130-140 लो स्कोरिंग मैच हो जाते हैं सामने वाली टीम के, जिसके विकेट धराधरा, और आप फेवरेट टीम रहती है उसकी विकेट आप पिकअप कर नहीं पाते हो, समझ रहे हो, अच्छी खासी फेवरेट टीम है, और लाइक एग्जांपल के तौर पे जैसे इंडिया बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने कुछ इस तरह की बॉलिंग फेंक दी, अपने प्लेयर्स इतने ख़राब खेल गए कि वो 130-140 पे ऑल आउट हो गए। अब बांग्लादेश खेलने आएगी तो कहीं ना कहीं चांस तो रहता है ना कि अभी इतना कम टारगेट है भाई, तो चेस कर लेंगे, विकेट नहीं जाएंगे। उस कंडीशन में पता है क्या होता, आपको वेट कर लेना है, स्टार्ट में आते तो एज यूजुअल अच्छा खेलेंगे, रन मारेंगे, पर जैसे ही प्लेयर्स आपको 30+ स्कोर पे कोई भी प्लेयर मिल जाए ना,
जिसने 30+ स्कोर कर लिया, आपको उस पर हल्का सा रिस्क लेने ना 2x जाके, क्योंकि 30+ स्कोर करने के बाद उसके आगे वाले रन वैसे 48 देने लगता है या 49 देने लगता है, और सेकेंड टाइम जाओगे तो 65 के ऊपर देने लगता है, समझ रहे हो? तो आपको इस तरह के गैप, रन के गैप, इस तरह के सिनेरियो, इस तरह की सिचुएशन जब भी मिले ना, आपको विकेट नोट ले लेना। और एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात जो मैं बहुत दिनों से सालों से अब जो कर रहा हूँ वो भी यही है कि स्कोर कार्ड देखिए आप किसी भी प्लेयर का। कोई प्लेयर अगर सेंचुरी डाल देता ना, सेंचुरी प्लस डाल, तो वो प्लेयर के बहुत ही कम चांस होते हैं 10 में से, मैं तो बोलूँगा 9 बार वो सेकेंड बार जब खेल लेंगे ना सेकेंड मैच में, तो 30+ अंडर ही आउट हो जाएंगे। ये गोल्डन चांस है, इसको आप लॉटरी समझ सकते हैं, बहुत कम चांस होता है। जैसे अभी लंका प्रीमियर लीग में क्या होता है कि फर्नांडो ने सेंचुरी डाल दी थी और उसमें थोड़ा मेरा भी हो गया था लॉस, पर वो कोई बात नहीं, मैंने कवर कर लिया था, मैं 3x चेक पे चला जाता हूँ, मेरी खेलना ट्रिक थोड़ी अलग है, मैंने अपना कवर किया था। उसमें क्या होता है ना कि उसने सेकेंड इनिंग में 50 डाल दी थी, क्योंकि ये बहुत रेयर केस में होता है। वरना आप कोई भी खाली टाइम बैठे स्कोर कार्ड उठा के देख लीजिए, 2020 का, वन डे का, कोई भी, सब में ये ट्रिक काम करेंगी। प्लेयर्स ने 100 डाल दिए, नेक्स्ट मैच में उसका आँख बंद करके आप ले सकते हो 30 का, 30 रन का टारगेट लेके उसको नोट मार दो। अच्छा, एक ट्रिक और है, जैसे कोई प्लेयर है उसे 3-4-5 मैच हो गए, 3-5 में तो छोड़ो, 3-4 मैच हो गए, वो 7-8-8-10-10 रन बना रहा हो, आपने उसका देखा ना पीछे का बैकग्राउंड कि वो 3-4-5-6-7 रन बना के आउट हो जा रहा है कम से कम 3 या 4 मैच में उसने खेला। तो इसके बाद अगर वो तो अपने तीसरे मैच या चौथे मैच में खेलने आए ना, तो सिंपली वो बनता 25 या 30 रन स्कोर करके जाएंगे, वो डाल दे 50 भी। एक ये भी ट्रिक आप ध्यान, क्योंकि ये ट्रिक मैं बहुत बार यूज में लेता हूँ स्कोर कार्ड से, क्योंकि इससे प्लेयर की मेंटेलिटी का पता चलता है। अगर कोई प्लेयर अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहा है, 1 मैच 2 मैच 3 मैच 4 मैच, तो उस पर मेंटली बहुत प्रेशर आ जाता, तो वो बहुत ही संभल के खेलने लगता है, समझ रहे? तो वो क्या करेगा कि 20-22-25-30 रन डाल देगा वो, क्योंकि वो नेट प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि उसको डर रहता है ना कहीं टीम से आउट ना हो जाए, नेट प्रैक्टिस से बहुत ध्यान देता है, अपनी टेक्निक में सुधार करता है, समझ रहे हो? तो इतने आपको देख के स्कोर आपको ये ध्यान में रख लेना कि ये प्लेयर 30+ स्कोर मार सकता, तो वही माइंड सेट करके भले ही वो 8 रन पे आउट हो जाए वापस भी, पर आपका माइंड सेट ये होना चाहिए कि ये प्लेयर इस बार 30 बना सकता, उसी हिसाब से आपको विकेट नोट लेने। अब आप बहुत से मेरे वीडियो देखने वाले इतने डफर लोग भी होंगे, उनको ये भी नहीं समझ आएंगे कि अब 30+ का टारगेट कैसे रखो। सिंपल सी बात है, आपको अपनी लिमिट के हिसाब से ले लेना। जैसे वो प्लेयर 3-4 मैच में रन नहीं बनाए, आपके दिमाग में टारगेट है कि जैसा मैंने बोला है कि 30 का टारगेट रखने लगे चलना है कि 30 रन बना ही लेगा, तो उसके सिंपली आपको देखना है कि आईडी ओपन करके रन कितने ओपन है। वैसे प्लेयर के रन ओवर 18-20-22 रन ओपन करते हैं, आपको वेट करना है वो 5 रन बनाए, 6 रन बनाए, 7 रन बनाने के बाद आपके आईडी में उसके रन देने लगता है 30। जैसे वो 30 रन देने लगे आपको वहाँ से नोट मारना उसको स्टार्ट करना, समझ रहे? बाकी शायद मैंने सब कुछ आपको बता दिया, समझ। अच्छा, बॉल नोट का, क्योंकि मुझे डबल वीडियो नहीं बनानी पड़ेंगे, बॉल नोट का भी आपको इसी में बता देता हूँ। बॉल नोट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए कोई भी प्लेयर होता है ना, जैसे बड़ी लीग हो, छोटी लीग हो, पोस्ट प्लेयर जो फास्ट खेलते हैं या अच्छी फॉर्म होती है, जिनकी वजह से लाइक आप ऐसी टीम ले लो जो 150 प्लस खुल रही है, वो अच्छे प्लेयर के लिए मार के खेलेंगे। तो ऐसे प्लेयर जैसे मैक्सिवल टाइप के प्लेयर हो गए, ऐसे अपने पंत जैसे प्लेयर हो गए या धवन जैसे प्लेयर हो गए अपने, ये क्या है कि पृथ्वी शो भी आजकल वही लाइन में चल रहा है, वो बहुत से प्लेयर ऐसे जैसे बाबर आजम, ठीक है, तो जैसे ये अपना आयरलैंड का सेटलिंग है, ठीक है, इस तरह के प्लेयर होते हैं ना अपने, तो ये क्या करते हैं आते मारना चालू कर देते हैं, अफगानिस्तान का हो गए। तो ऐसे प्लेयर्स को क्या करना है, ऐसे प्लेयर्स की आपकी बॉल नोट करके चलना है, क्योंकि रन तो ये मारेंगे आप। ऐसे प्लेयर्स की आपको बॉल नोट करें, सिंपली कहने का तरीका ये है कि जो प्लेयर फास्ट खेल रहे हैं, जिनकी आदत मारने की है, उन प्लेयर्स की आपको रन नोट ना करके आपको बॉल नोट कर देनी, ठीक है, एक ट्रिक हो गई ये। अच्छा, इसकी एक सेफ साइड मैं आपको बता देता हूँ, सेफ साइड इसकी ये है कि जैसे आपको ऐसे प्लेयर्स मिल जाएँ, जैसे वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर मिल जाएँ आपको, तो उसमें आपको करना क्या है कि आपको प्लेयर्स के रन तो आपको यस कर देने, जैसे प्लेयर्स के रन खुले 20 आपको वो यस कर देने, और उसकी बॉल खोलेंगे वो 18, बॉल 18 आपको नोट कर देने। तो इसमें आपको होगा कि आपकी एक सेफ साइड बन जाती है, जैसे सेशन में डिब्बी बनाते हैं ना, ये उस टाइप की डिब्बी समझ लो। उसमें होगा क्या,
कि वो प्लेयर 20 रन तो बना लेगा, 20 रन बनना कोई बड़ी बात नहीं 19 बॉल पे, वो एक चौका छक्का मार देगा 10 बॉल में, वो 20 रन बना लेंगे, अपने 20 रन किए यस उसके पैसे आपको आ जाएंगे। अब बच्चे आपकी बोले 19 बॉल 18 बॉल, अगर वो 18-19 बॉल से पहले अगर वो आउट हो जाए तो आपको डबल प्रॉफिट हो जाएगा। वह अगर वो 18-19 बॉल खेल जाता है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 18-19 बॉल के आपके पैसे गए, रन यस के पैसे आपके पास आए, आपको क्या हुआ नो लॉस नो प्रॉफिट। जब ये सिनेरियो बन जाता है ना नो लॉस नो प्रॉफिट, तो वो प्लेयर क्या हुआ उस कंडीशन में 20 रन तो बना चुका होगा ना अपने वो, तो उसके सामने के रन वो वापस कितने खोलेगा 45-48। वहाँ से सिंपली आपको क्या करना वापस यही सिस्टम अपना लेना है, समझ रहे हो, उसके रन यस बोल नोट अगले वाली। या तो आप ये ट्रिक करते करते आगे चले जाओ जब तक दे, अगर आपको ये ट्रिक नहीं करनी है तो आपने फर्स्ट में ही आपने बोल नोट रन यस किए थे ना, वहाँ से आप उसको करने के बाद सेकंड टाइम आपने खाली उसके रन नोट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको गैप मिल जाता है काफ़ी अच्छा खासा। ऐसी बहुत सी ट्रिक्स हैं, मैं आपको सारी नहीं बता सकता, मतलब बता ऐसा नहीं कि मैं बताना नहीं चाहता, पर मतलब वो ट्रिक्स ऐसी होती है ना कि जब आप प्लेयर सामने खेलते लाइव खेलते तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जैसे काम करते रहते, आप अपनी अपनी ट्रिक बनाते रहते, समझ रहे, बहुत सी ट्रिक शायद वीडियो बंद करने के बाद मेरे दिमाग में आया याद है। तो आप ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखो, आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो, हर खेल किस हर पंटर का खेलने का एक अपना पैटर्न होता है, एक अपना तरीका होता है, समझ रहे हो। ठीक है, अगर और कुछ भी कुछ रह गया हो कुछ छूट गया हो तो मैं दूसरी वीडियो में कवर करूँगा, पिच पे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ भी अगर पूछना हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे मुझे आप मैसेज कर देना मेरे यूजर नेम पे, जिस किसी को और किसी टाइप का वीडियो अगर चाहिए बताना हो तो मुझे बता देना, मैं बनाऊँगा, ठीक है, थैंक यू।